कहे कि मन में बड़ी हड़बड़ी बा, आज का स्टेटस का प्रीव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर से लेकर आ चुका है एक न्यू भोजपुरी ट्रेंडिंग दोस्तों डीजे स्टेटस। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ नए नए इफेक्ट को दोस्तों ऐड किया है, तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आप भी स्टेटस बनाना चाहते हैं अपना फ़ोटो लगाकर या किसी और का फ़ोटो लगाकर, तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों लाइट मोशन। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप जाकर एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लेना, वहाँ पर भी हमने पिन करके रखा हुआ है। तो ओपन चलिए इसे हम कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट वाले क्लिक करना होगा। जैसे प्रोजेक्ट वाले क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा सॉन्ग बीट मार्क है, यहाँ पे हमारा शेक इफेक्ट है, इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इफेक्ट टोटली हमारा कितना इफेक्ट यूज होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारा जो 4 इफेक्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इफेक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे शेक इफेक्ट में 4 ही इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ इफेक्ट यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉन्ग बीट मार्क वाले पे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें आपको फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले में फोटो को ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिख जाएगा, इस ग्रुप वाले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एडिट ग्रुप पर चले जाना है। एडिट ग्रुप पर दोस्तों जाने के बाद आपको करना क्या होगा, नीचे वाले लेयर पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद कलर फील्ड पर जाएंगे। कलर फील्ड पे दोस्तों जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, अपना कोई भी एक दोस्तों फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं ये वाला कोई भी एक यहाँ पे दोस्तों फोटो को ले लेता हूँ, तो जैसे मैं यही फ़ोटो ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फोटो है यहाँ पे आ चुका है। एक बार दोस्तों हम लोग बैक जाते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फोटो है यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें फ़ोटो को ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करना हो तो उसके बाद यहाँ पे कलर फिल जाएंगे। यहाँ दोस्तों क्लिक करके और दोस्तों यहाँ से अपना कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी हमारा जो फोटो है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस लेयर को आपको कॉपी कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे इसी पे आपको क्लिक करे रहेंगे, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करे रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों कॉपी लेयर पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अगले बीट मार्क में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने यहाँ पे आपको करना क्या, अगले बीट मार्क तक आएंगे, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पेस्ट लेयर पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो हमारा बीट यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसी प्रकार से आपको इफेक्ट को यहाँ पे लगा देना, जो बचा हुआ भाग है इस टाइमर पे क्लिक करके इस साइड का यहाँ पे कट कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ तक आपको इस लेयर को आपको लगा देना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक आपको इस लेयर को आपको लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फिर से आपको इस भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगले बिटमार्क पे आएंगे, बिटमार्क में दोस्तों आने के बाद आपको करना क्या होगा, जो बचा हुआ भाग है इस टाइमर पे क्लिक करके यहाँ से दोस्तों क्लिक करके यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके उसके बाद कलर फिर भी जाएंगे, यहाँ से दोस्तों क्लिक करके और कोई भी एक अपना फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी अपना एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद दोस्तों प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके जो आपका फ़ोटो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
और दोस्तों अगले में भी आपको इसी प्रकार से आपको करना क्या होगा, इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको कॉपी करना है इस लेयर को। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस वाले लेयर को आपको कॉपी करना है, ठीक है। और दोस्तों इस वाले लेयर को कॉपी नहीं करना है, इस वाले लेयर को आपको कॉपी करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर पे जाएंगे यहाँ दोस्तों क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर अपना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों प्लस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको 4.5 आपको फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 4.5 आप फोटो बना लेना, ठीक है, पिक्सल लाइन में जाकर बना लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस वाले लेयर को आपको कॉपी करना है। तो इसमें दोस्तों सेम टू सेम उसी प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसमें आप फोटो को लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों वहाँ पे हमारा फोटो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों इस वाले लेयर को आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे कॉपी लेयर आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगले बिट मार्क पर आएंगे, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसे पेस्ट लेयर पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस प्रकार से फिर से अगले बिट मार्क पे आएंगे, उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से आपको करना क्या होगा, यहाँ पेस्ट लेयर आपको कर देना है। तो दोस्तों ये लेयर आपको कहाँ तक आपको लगाना है ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला लेयर आपको बेसिकली यहाँ पर जो डबल बिट मार्क आपको दिख रहा है यहाँ तक आपको लगा देना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लगा देना है इस पर क्लिक करके, इसके बाद पेस्ट लेयर पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लग चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अब दोस्तों इसमें फ़ोटो को ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ऊपर सबसे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ग्रुप का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ई वाला, इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों एडिट ग्रुप पे चले जाएंगे। एडिट ग्रुप पे दोस्तों जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ नीचे वाले लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 4.5 आपको यहाँ पे साइज लगने वाला है फोटो का। तो चलिए एक बार मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कैसे आपका बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पिक्सल लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। पिक्सल लाइन में दोस्तों आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे जाएंगे, और यहाँ दोस्तों कस्टम सॉरी यहाँ पे नंबर वाले पे क्लिक करके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखना है इस साइड वाला। उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आपको जो हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 लिख देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट वाले क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी अपना एक फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर चलिए कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस फ़ोटो पर क्लिक करके, और दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिलेटिव साइज पे आपको क्लिक कर देना है, इसे दोस्तों फुल कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करके इसे अल्ट्रा कर लेंगे, यहाँ दोस्तों क्लिक करके इसे पीएनजी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सेव टू गैलरी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर बैक आ जाना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फोटो है यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैक आएंगे, और यहाँ पे दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे। तो दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कलर फिल पे यहाँ दोस्तों क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ पे जो सिलेक्ट किए थे, तो जैसे मैं ये वाला इस पर प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों करके यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैक आएंगे, तो बैक आने के बाद दोस्तों अब चलिए वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था दोस्तों, और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा जो यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे हमने जो लगाया हुआ था, तो देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों कमाल का लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले बिट मार्क पर आएँगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद प्लस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे, तो दोस्तों यहाँ से क्लिक करके अपना कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाला फ़ोटो है, इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगले बिट मार्क में आता हूँ, इस फोटो को कट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इस पर प्लस पे क्लिक करके उसके बाद मीडिया पे दूसरा फोटो सिलेक्ट करके बिट मार्क के अकॉर्डिंग इस फोटो को कट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ तक आपको फोटो को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस फोटो को लगाना है जो आपको डबल बिट मार्क
तो यहाँ तक आपको फ़ोटो को लगाना, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ तक आपको इस फोटो को लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ तक लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट कौन सा लगेगा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे पहला वाला इफेक्ट लगेगा, तो ये लेयर आपको देख सकते हैं, ये लेयर आपको जहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक आपको पहला इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ तक जैसे ये लेयर आ रहा है तो यहाँ तक आपको दोस्तों पहला इफेक्ट आपको लगा देना, ठीक है। बैक आएंगे उसके बाद दोस्तों शेक इफेक्ट में चले जाएंगे। शेक इफेक्ट में दोस्तों जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पहला वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बाइक जाएंगे सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे। सॉन्ग बीट मार्क में दोस्तों जाने के बाद आप जहाँ पे फ़ोटो को ऐड किए थे, तो चलिए हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर था, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से फिर से इस पर क्लिक करेंगे फोटो पे, यहाँ पे इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली आपको ये जो पहला लेयर आपको दिख रहा है, यहाँ तक आपको फ़ोटो को लगा कर आपको जो पहला वाला इफेक्ट है यहाँ तक आपको लगा देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे। अब दोस्तों यहाँ से कोई दूसरा फोटो सिलेक्ट करके यहाँ से बीट मार्क अकॉर्डिंग इस फोटो को कट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस फोटो को आपको करना क्या होगा, यहाँ तक आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ऐड करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे दूसरा वाला इफेक्ट आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से एक इफेक्ट में चले जाएंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे। अब दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में आपको जाने के बाद आपको करना क्या होगा, वहाँ पर चले जाना जहाँ पर हमने फोटो को ऐड किया था, ठीक है, जहाँ पर हमारा दूसरा वाला इफेक्ट लगेगा। तो बेसिकली यहाँ से हमारा दूसरा वाला इफेक्ट लगेगा, इस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना। इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ तक आपको फोटो को ऐड करके आपको इस इफेक्ट को लगा देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको फोटो को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जितना भी लेयर आपको दिख रहा है आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कलर फील पे जाएंगे, तो यहाँ से दोस्तों क्लिक करके उसके बाद दोस्तों अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं कोई एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे इसमें मैं ले लेता हूँ कोई भी एक फ़ोटो। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा आ चुका है। उसी प्रकार दोस्तों आपको ये जित तीनों वाला आपको लेयर दिख रहा है, इसमें आपको फोटो को लगा लेना, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको एक बता दिया कैसे आपको लगाना है, उसी प्रकार से आपको लगा लेना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको कैसे फ़ोटो को लगाना है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ग्रुप वाले पे एडिट ग्रुप पे चले जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको 4.5 आपको लगेगा इमेज साइज, ठीक है। तो यहाँ पे कलर फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से दोस्तों क्लिक करके चलिए हम लोग ये वाला दोस्तों सिलेक्ट कर देते हैं, प्लस पे क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पर आ चुका है। थोड़ा सा इस प्रकार से दोस्तों एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों कमाल का यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद दोस्तों बाइक आएंगे, तो दोस्तों बाइक आने के बाद दोस्तों चलिए वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे हमने फ़ोटो को लगाया था। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे था, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया हुआ था। तो ओके, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फ़ोटो आप लगा लिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से प्लस पे क्लिक करके उसके बाद मीडिया पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद बीट मार्क अकॉर्डिंग इस फोटो को कट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ तक आपको वीडियो को लास्ट तक आपको करना क्या होगा, और यहाँ पे भी आपको एक ग्रुप आपको दिख जाएगा, तो यहाँ तक आपको फ़ोटो को लगा कर, ठीक है। तो यहाँ तक फ़ोटो को लगा कर उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला इफेक्ट आपको लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं तीसरा, ये आपको लेयर जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक आपको तीसरा वाला इफेक्ट आपको लगा देना, ठीक है। फ़ोटो को लगा कर तीसरा वाला इफेक्ट आपको लगा देना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडिट ग्रुप पर जाएंगे, और यहाँ पर इस ग्रुप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट ग्रुप पर जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको वही वाला आपको साइज़ लगेगा जो हमने पहले भी बताया था, 4.5 यही वाला साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको फ़ोटो को लगा कर प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे। तो दोस्तों यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, बिट मार्क के अकॉर्डिंग इस फोटो को कर करके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस वाले फ़ोटो पर आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो इस वाले फ़ोटो को पे आपको चौथा वाला इफेक्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आपको फ़ोटो को ऐड करके उसके बाद दोस्तों चौथा वाला इफेक्ट आपको कॉपी करके इस वाले इमेज पर आपको ले आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है।
तो कैसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक, यहाँ पे शेक इफेक्ट में चले जाएंगे, चौथे वाले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे। अब दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में आपको जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आप फोटो को लगाए, ठीक ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा फोटो पे। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट के इफेक्ट कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तक आपको फोटो को लगा कर इस वाले इफेक्ट को आपको लगा देना, ठीक है। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से क्लिक करके वीडियो का रेजुलेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो वीडियो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से पसंद है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद।